हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज हम वेट कर रहे थे जिस चीज का, भैया का फोन अभी तक नहीं आया था, इसलिए हमने भाभी के गिफ्ट का अनबॉक्सिंग नहीं किया था। तो आज फाइनली भैया का वो गिफ्ट आ गया है जो भैया ने भाभी के लिए फोन मंगाया है गिफ्ट में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा फोन है, और साथ साथ में हमारा और रोशन का और निखिल का सबका गिफ्ट अभी अनबॉक्स करेगी भाभी। तो चलते हैं, अनबॉक्सिंग कराते हैं। ये देखिए भैया का ये आ गया है गिफ्ट, और भाभी बिल्कुल बेसब्री से बैठे हैं इसको खोलने के लिए, बट अभी हम इसको खोलना नहीं चाह रहे हैं। अभी सारा गिफ्ट एक साथ यहाँ पे रख देंगे, जो जो हमने सब लोगों ने दिया है वो सब यहाँ रख के फिर एक साथ सारा गिफ्ट खोलेंगे, है ना भाभी? बोल क्यों नहीं रहे? तो खुजली क्यों कर रहे हैं हाथ में? अच्छा, खुशी नहीं है आपको गिफ्ट खोलने का? खुशी तो कब खोलिएगा? लेके आओ। लाते हैं। ये देखिए एक लाइन से हमने सारा गिफ्ट पैक करके रख दिया यहाँ पे, जो उस दिन भाभी को हमने गिफ्ट किया था। और ये देखिए, ये सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट है भैया का, जो गुलाब उन्होंने लिया था। देखो ये दोनों मेरा। अच्छा, ये दोनों भैया का है, और मेरे ख्याल से सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट भाभी का इसी में है। गाइज, ये मैंने दिया था भाभी को, देखिए इसमें लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे भाभी, और ये भाभी का पिक्चर बनाया था मैंने, ये देखिए। और ये है रोशन का। रोशन भाभी को प्यार से पांडा बुलाता है, इसलिए पांडा का फोटो यहाँ पे छपा हुआ है, हैप्पी बर्थडे मामी लिखा हुआ है। और ये है मिस्टर हबीबी यानी निखिल का, उन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे बेटा। वाह, भाभी को मतलब अपनी दीदी को बेटा बुलाते हैं प्यार से, ठीक है कोई नहीं। तो गाइस अभी चलते हैं इस गिफ्ट को खोलते। तो पहले निखिल की बारी, बिल्कुल जानवर की तरह भाभी खोलने जा रही है गिफ्ट को अभी। अच्छा, आराम से खोलिए, जानवर की तरह मत खोलिएगा, प्यार से खोलिएगा जरा। बहुत मेहनत से पैक किया था हबीबी ने और मैंने इसको, खोलिएगा आराम से। भाई साहब देखिए, बिल्कुल जानवर की तरह उन्होंने पैकेट को खोल दिया है। ओ माय गॉड, क्या है इसमें? क्या है भाई? वो तो स्टाइल ही देख के पता चल रहा था उनका कि इसमें क्या है। अच्छा, इसमें पर्स है भाभी के लिए। वाओ, ये देखिए, ये निखिल ने भाभी को पर्स दिया है गिफ्ट में। गिफ्ट हमेशा प्राइसलेस होता है, तो प्राइस हम जान के क्या करेंगे इसका, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा पर्स है, बहुत स्टाइलिश पर्स है। एक मिनट निकाल ले तो दो। अच्छा हाँ, अभी देखते हैं। तो ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ही स्टाइलिश पर्स है। तो ये निखिल की तरफ से भाभी को गिफ्ट है। वाओ, थैंक यू सो मच निखिल। ठीक है, अब उसको साइड रखिए, अब हम लोगों की बारी है। अच्छा अच्छा, ये रहा मिस्टर जैन जेड का, मतलब रोशन का गिफ्ट है ये। और ये इसको अब खोलते हैं, इसमें क्या है भैया का गिफ्ट हम सबसे लास्ट में खोलेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में भैया का गिफ्ट आया है। ड्रेस। और भैया गिफ्ट ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो सबसे लास्ट में भैया गिफ्ट देखेंगे, ठीक है? तो पहले अभी भाभी का, सॉरी रोशन का ये गिफ्ट देखते हैं। इसको भी जानवर की तरह खोलिएगा भाभी। ओह माय गॉड, भाई साहब बिल्कुल जानवर की तरह खोल दिया। और देखिए बहुत प्यारा सा ड्रेस है इसमें रोशन की तरफ से। वाओ, अभी जरा खोल के दिखाइए इसको। दिखा रहा हूँ। वाओ, बहुत ही ज्यादा लवली ड्रेस है। और ये भाभी के ऊपर, भाभी के जैसा ही स्लिम ट्रिम ड्रेस है बिल्कुल। अच्छा, भाभी थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा? हमको भी लग रहा है। थैंक यू सो मच रोशन एंड चंदन। ये तो रोशन चंदन की तरफ था। अब गाइस मेरी बारी आ गई है, अब देखिए मेरा गिफ्ट भाभी को कैसा लगता है। अभी इसको खोलते हैं। का है जिसमें, किताब है क्या? इसको भी जानो की तरफ खोलिएगा। ओह माय गॉड, थोड़ा प्यार से खोलिएगा। कागज कैसे प्यार करे, देखो। अरे ठीक है, खोल जा रहा है। बिल्कुल रद्दी मचा दी यहाँ पे भाभी ने, देखिए कैसा रद्दी रद्दी हो गया। अच्छा बेटे मैक्स। गाइज मुझे पता है, इस पैकेट को पैक करने में पूरा 20 मिनट लगा था, क्योंकि डब्बा वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था वैसा पैक करने के लिए। तो ये बस, ये मैक्स बस बाहर से है, अंदर से मैक्स का कपड़ा नहीं है, अंदर से हमने कहीं और से कपड़े लिए थे इसमें। तो गाइज मैंने भी ड्रेस, ये तो मेरा ही ड्रेस है जो तुमने चुरा के पैक कर लिया क्या? नहीं, मैंने ही तो दिलाया था। तो गाइज ये तो मेरे पहले से था। तो गाइज ये दो ड्रेस मैंने भाभी को दी, ये मुझे जो मैंने आपको बताया था कि मैंने भाभी से छुप के एक ड्रेस परचेस कर लिया था। थैंक यू, पहले दे देते तो बर्थडे में ही पहन लेते। तो गाइज यही मैंने छुप के भाभी से परचेस किया था जब भाभी अंदर ट्रायल रूम में थी। थैंक यू। तो वो भी खोल के दिखाई पहले, कभी मेरे भैया दोनों एक साथ खरीदे थे हम। हाँ, कभी मेरे बैग से
तो गाइज ये गिफ्ट मैंने भाभी को पहले दिखा दिया था, बट वो वाला मैंने नहीं दिखाया था। अब आती है भैया के गिफ्ट की बारी, तो अब इस कूड़े कबाड़ को करते हैं साइड। तो ये पहले सबसे पहले भाभी को रोज मिला है भैया की तरफ से, तो रोज को भी साइड रखिए और गिफ्ट को खोलिए। तो गाइज ये देखिए फ्लिपकार्ट से आया है भाभी का गिफ्ट जो भैया की तरफ से, और ये बाहर आ रहा है, निकालिएगा तो थोड़ा सा धक धक एक्साइटमेंट। ओ माय गॉड, V27, Vivo का V27, ओ माय गॉड। मतलब भाभी को 40,000 रुपए का फोन मिला है गिफ्ट में। भैया हमको भी चाहिए, भैया 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 हमको भी चाहिए। अच्छा कोई नहीं गाइस, मुझे ही बर्थडे भैया ने आईफोन गिफ्ट किया था, तो चलिए बर्थडे में। हाँ ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा ही प्यारा फोन है, देखिए जरा भाई साहब। भाभी अब तो पूरा पूरा एक्साइटेड लग रहा है भाभी, क्या बात है। ओ माय गॉड, जाम को भी छूने दिए जरा। ओ माय गॉड, बहुत प्यारा कलर है गाइस फोन का, ये देखिए। ओए होए, थैंक यू मिस्टर पतिदेव। तो गाइस देखिए इस फोन में 3 कैमरे हैं और सामने रिंग लाइट जैसा बना हुआ है, और ये देखिए कर्व डिस्प्ले है इसका, और अभी इसका फुल सेटअप होना बाकी है। तो गाइस भाभी को बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव और बहुत अच्छा गिफ्ट मिला भैया की तरफ से। भाई भैया को थैंक यू तो बोलिए। थैंक यू भैया, मस्ती है जरा। थैंक यू सो मच। तो गाइस इस बॉक्स के अंदर ये देखिए केबल, ओ माय साहब कितना बड़ा चार्जर है, ये देखिए इतना बड़ा चार्जर मिला है, ओ माय गॉड। तो गाइस ये देखिए फोन के अलावा भैया ने भाभी को ये सारे ड्रेस भी गिफ्ट में दिए, ये एक ड्रेस, ये दूसरा, ओ माय साहब क्या मस्त कलर है, ये देखिए तीसरा ब्लैक कलर का ड्रेस, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा ही मस्त है। और ये देखिए, ओह तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया बढ़िया ड्रेस भैया ने भाभी को गिफ्ट में दिया है, वाह। यहाँ पे हमारा सारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो गया है और पूरा घर में कबाड़ी फैल गया है भाभी का, ये देखिए ड्रेस। अभी मैंने मेरा गिफ्ट देख ऐसे फेंका हुआ यहाँ पे। तो गाइज ये गिफ्ट, ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा था भाभी के लिए। भाभी जरा ऊपर डापने ऊपर डाल के दिखाई कैसा लग रहा, खड़ा हो गया ना एक बारी प्लीज। तो गाइज मैंने अपना ड्रेस भाभी को भी थोड़ा चेक करने के लिए बोला है। गाइज कमेंट करके बताइए भाभी को पर ये ड्रेस कैसा लगेगा, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही प्यारा लगेगा ये ड्रेस। तो नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूंगी और ब्लॉग बनाऊंगी। हाँ गाइस, तो जब भी ये भाभी नेक्स्ट पहनेंगे कभी भी, तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कि भाभी के ऊपर ये ड्रेस कैसा लग रहा है। गाइस यहाँ भाभी का गिफ्ट का अनबॉक्सिंग पूरा हो गया है, और देखा आपने भाभी को कितना एक्साइटिंग और कितना ज्यादा ही अच्छा गिफ्ट मिला है। मैंने भी बहुत अच्छा अपनी तरफ से गिफ्ट देने की कोशिश की थी, तो अब देखते हैं कि भाभी के ऊपर वो कैसा लगता है ड्रेस। गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के बाद अब मुझे, क्योंकि मैं ऑफिस गया था और थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया हूँ, तो मुझे भूख भी लग रही है। तो सुबह मैं गया था फूल वगैरह लेके आया था, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का, सॉरी नवरात्रे का पहला दिन है आज, तो भाभी ने पूजा किया था, तो उसमें बहुत सारा प्रसाद भी भाभी ने चढ़ाया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा प्रसाद दिखाऊँ, पहले मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ जहाँ भाभी ने पूजा किया था। देखिए वाओ, मंदिर ही भाभी ने बहुत अच्छा सजाया है। गाइस ये माला जो आप देख रहे हैं, माला मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, मैं बाहर से बस फूल लेके आया था बाहर से, और मैंने इस माला को बनाया है। और भाभी की तरफ से ये प्रसाद के रूप में मुझे केला मिला है अभी, और अब मैं जा रहा हूँ ये केले को खाऊंगा। तो पहले इसको एक काम करते, 50-50 कर लेते, आधा मैं भैया को खिलाऊंगा आधा मैं खाऊंगा, क्योंकि केला एक ही था प्रसाद में चढ़ा हुआ, बाकी अलग रखा हुआ है। तो पहले आधा आधा हम लोग दोनों खाते हैं। गाइस बैठे बैठे अब भाभी का गोलगप्पा खाने का प्लान बन गया हम लोगों का, तो अब हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने नीचे। तो हम लोग जहाँ जिस गोलगप्पे वाले भैया के पास हमेशा खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं, तो अभी आज मैं आपको उनको भी दिखाऊंगा, बिल्कुल बिहारी स्टाइल गोलगप्पा बनाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नीचे, ये देखिए भाभी भी इंतजार में बैठी है गोलगप्पा खाने का, और भैया भी देखिए गंजी में बैठे हैं बिल्कुल। तो फटाफट से चलिए अब चलते हैं, हम नीचे चलेंगे फटाफट गुपचुप खाने के लिए, है ना। और वहाँ पे गुपचुप वाले भैया से गुपचुप भी खाएंगे, और वहाँ पे दिखाएंगे भी कितना अच्छा टेस्टी गुपचुप बनाते हो, है ना। ये बॉडी दिखाऊंगा तो, हाँ पूरा बॉडी दिख रहा हुआ, क्या बॉडी। तो अभी हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, ये देखिए अभी बाहर निकलेंगे रोड पे, रोड पे बाहर का मौसम आज बहुत ज्यादा ही बढ़िया हो रहा है अभी। ये देखिए हम लोग रोड पे आ गए, और सामने वो मंदिर है जो लाइट जल रहा है, देखिए कितना अच्छा सजाया हुआ मंदिर को। और देखिए यहाँ पे शाम के टाइम पे यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल चहल पहल होता है, देखिए कितना गाड़ी वाड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं आगे, गुपचुप खाइएगा, 100 रुपये का, आप आइएगा ना, ठीक है आपको 100 रुपये गुपचुप बोलेंगे वहाँ पे खिलाने, ठीक है। भैया आप कितना खाइएगा, गाइस मैं भी 10-20 रुपए के खाऊंगा, ये भुक्खड़ भाभी है, ये 100 रुपए खाएंगे, वहाँ देखते हैं कितना खा पाते हैं। नहीं लगता, देखिए अब हम लोग गोलगप्पे वाले भैया के पास आ गए हैं, बिल्कुल रेडी लगाते हैं आदित्य मॉल के ठीक बाहर।
का भैया गुपचुप खिलाइए फटाफट। देख रहे हो बिल्कुल स्मार्ट स्मार्ट बंदे हैं बिल्कुल। तो यही भैया है वो जिनका मैं बता रहा था आपको, यहीं पे गोलगप्पे खाने आते हैं हम लोग सब। का भाषण भाषण मार रहे हैं आप वीडियो में, तो फटाफट बनाओ बढ़िया से भाई। बिल्कुल बिहारी स्टाइल में गोलगप्पे बनाते हैं। हाँ अभी दिखा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं गुपचुप खाता हूँ। देखिए भैया और भाभी को अभी ये खिला रहे हैं, अभी इसके बाद मैं खाऊंगा। अभी वाले तो करते ही हैं। भाभी कैसा टेस्ट लग रहा है भाभी? तो ये देखिए भैया बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं ये। अभी मैं भी खाने जा रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा गोलगप्पा भैया ने मुझे दिया है। इनका नाम नीरज है, नीरज भैया जो गुपचुप बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार गुपचुप बना रहे हैं। खा के पूरा मज़ा आ रहा है। अगर आप मेरी वीडियो इंदिरापुरम से देख रहे हैं तो प्लीज़ ये भैया पता है गुपचुप जरूर खाइए, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी गुपचुप बनाते हैं। दस का कितना गुपचुप देते हैं? 3 को देते हैं ना? 20 का बताओ। अच्छा 20 का पाँच 20 का 6 गुपचुप देते हैं बिल्कुल। तो इंदिरापुरम में है तो आदित्य मॉल के ठीक बाहर यहाँ पे गुपचुप का दुकान लगता है इनका। आइए और ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खा के। गोलगप्पे हमने खा लिए हैं। आज नवरात्रि की वजह से इनके दुकान पर थोड़ा सा भीड़ कम था, वैसे यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और आपको बहुत लंबा लाइन यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, तो 5-10 मिनट तभी जाके आपको आप गुपचुप सही तरीके से खा पाइएगा। हमारे घर के पास वाला आदित्य मॉल है बिल्कुल, एक इतना लंबा बहुत ज़्यादा ही अच्छा से इसको सजाया गया। देखिए लाइटिंग वगैरह बिल्कुल बढ़िया था, और यहाँ पे फ़ोन का दुकान बहुत ज़्यादा है, लगातार बिल्कुल फ़ोन का ही स्टोर है यहाँ पर बिल्कुल। इस गोलगप्पे खाने के बाद अब देखिए भाभी बिल्कुल बड़ा पाव खाने के लिए पहुँच गई यहाँ पर। भुक्खड़ कितना बड़ा पाव खाइएगा? कितना बड़ा पाव खाइएगा? एक मैं भी खा लूँगा फिर भैया, एक मेरा और एक इनका, 2 बड़ा पाव। गाइस ये देखो बिल्कुल बड़ा पाव बना रहे हैं। भैया आप नहीं खाइएगा बड़ा पाव? नहीं। लोग बड़ा पाव का वेट कर रहे हैं, फटाफट से बड़ा पाव बन के आएगा और हम यहाँ पे देखिए इस टेबल पे बैठ के खाएंगे अभी, मतलब सॉरी इस पे रख के खाएंगे अभी यहाँ खड़े होके। नहीं नहीं बैठते नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी। तो गाइस अभी बड़ा पाव बन के आता है, फिर मैं आपको बड़ा पाव दिखाता हूँ। ये देखिए हम दोनों का टेस्टी सा बड़ा पाव आ गया है बिल्कुल, चटनी बड़ा पाव और मिर्च के साथ। और देखिए भाभी मम्मी पहले से पहले मिर्च खा रही है। ओ भाई तीखा नहीं लग रहा मिर्च भाभी? भैया आपको भी खाना है? तो गाइस अब मिलते हैं खाते खाते। बड़ा पाव खा लिया हमने, बड़ा पाव थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो रहा था। भाभी आपको भी स्पाइसी लग रहा था बड़ा पाव? मेरा जीभ अभी लहर रहा है, स्पाइसी था बड़ा पाव, फूड भी लहर रहा है भाई सब। ये नॉनवेज का दुकान है बट नवरात्रि को लेकर बिल्कुल यहाँ पे प्योर वेज खाना मिल रहा है। और ये देखिए लाइटिंग क्या मस्त सजाया गया है यहाँ पे। भाभी के गिफ्ट आने की खुशी में भाभी ने बड़ा पाव और गोलगप्पे खिला दिए हैं अभी। अब हम लोग अब घर जा रहे हैं, घर पे जो खाना बना है पहले, अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा वीडियो वगैरह एडिटिंग करना है वो करूँगा, फिर उसके बाद खाना पीना खाते हैं, फिर मिलते हैं। हमारे घर के नीचे इतने सारे दुकान हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कूलर वगैरह बिक रहा है यहाँ, और ठीक सामने एक स्कूल भी है हमारा। सामने ओम सनराइज स्कूल है, इसी से हम अभी अंदर जाएंगे गली में जहाँ हमारा घर है। गाइस अभी बाहर से आया था तो इसलिए मैंने पैर हाथ धो के मैं रेडी हो गया हूँ और अब जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। ये देखिए मेरा सिस्टम भी अब चालू हो गया, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये सिस्टम मैंने ऑन कर लिया है और ये देखिए मैंने नया कीबोर्ड खरीदा था गेमिंग के लिए। तो अब जा रहा हूँ मैं, अब जो वीडियो एडिटिंग करनी है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देखिए रात का डिनर हमारा आ गया, चावल और आलू परवल की सब्जी, तो इसको फटाफट से खाते हैं। गाइस अब मैं डिनर करके भी आ गया हूँ, और डिनर करने से पहले मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगा दिया था, तो ये देखिए हमारा वीडियो भी एक्सपोर्ट हो चुका है और रात भी काफ़ी हो गई है, 11:30 बज गया है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय गाइस।